Assalamu alaikum. I am Nasir Abbas, your teacher of English over here. Today we are going to have the third lecture on English. In the first lecture we discussed the conditional sentences. In the second lecture we discussed the basic rules of converting a sentence from active voice into passive voice. And in today's lecture we are going to have discussion on how to change the tense of a sentence. Humne six rules ko discuss kiya tha. The first rule was identification. And we said that when you are identifying, you have to identify subject, verb and object in a sentence. Then you have to convert subject into object, and then object is changed into the place of the subject. By is put before the subject, and third form of the verb is used. The last change that we have to do is the change of tense. अब हम tense को किस तरह change करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये table मौजूद है. अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेंस मार्कर्स. स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी सेंटेंस का टेंस चेंज करते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें ये पता हो कि ये सेंटेंस हमारे पास कौन से टेंस में है. अब मार्कर्स का यहां पर मतलब है आइडेंटिफिकेशन. मार्कर्स का यहां पर मतलब क्या है? मार्कर्स का यहां पर मतलब है आइडेंटिफिकेशन. यानी अगर हमने किसी सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है तो हम इस टेबल का हेल्प लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेंटेंस है ही इज कमिंग. अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारे पास कौन से टेंस में है? तो यहां पर मैंने एक ऐसा वर्ड देखना है जो कि इस टेबल में भी मौजूद हो. अब आप देखिए, यहां पर हमारे पास इज आया हुआ है. इज हमारे पास कहां पर है? प्रेजेंट में है. प्रेजेंट कौन से में? कंटिन्यूअस में है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. इस तरह अगर मैं लिखूं कि दे हैड डन इट, दे हैड डन इट. अब यहां पर हमने क्या करना है? हमने एक ऐसा वर्ड देखना है जो कि यहां पर इस टेबल में भी हमारे पास मौजूद हो. तो यहां पर हमारे पास आया है हैड. हैड कहां पर है? पास्ट में है. पास्ट कौन से में? परफेक्ट में है. तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सेंटेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में है. इस तरह अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग. अब यहां पर हमने फिर से क्या करना है कि हमने एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखना है जो कि यहां पर भी मौजूद हो. तो इसके जरिए से हमें इस सेंटेंस के टेंस के बारे में पता चल जाएगा. अब यहां पर हमारे पास आया है शैल हैव बीन, यहां पर भी हमारे पास आया है शैल हैव बीन. तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. स्टूडेंट्स, याद रखिए, इस टेबल पे कमांड हासिल करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी टेबल को हम एक्टिव पैसिव वॉइस में भी डिस्कस कर रहे हैं, इसी टेबल को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी डिस्कस करेंगे, और इसी टेबल के जरिए से हम जब टेंसेस पे डिस्कशन करेंगे तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन में पे हम बात करेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स, हमने ये कहा कि जब हम किसी सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो इस टेबल का हम हेल्प लेते हैं. लेकिन अगर हमारे पास लेट्स सपोज सेंटेंस आ जाए, दे प्ले, या मैं कहता हूं कि शी रोट, दे प्ले, या मैं कहता हूं कि शी रोट. अब अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं तो यहां पर हमारे पास ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो कि इस टेबल में मौजूद हो. तो फिर ये सेंटेंसेस कौन से टेंस में हैं? आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. याद रखिए, जब आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जिसको हम रूट फॉर्म या बेस फॉर्म भी कहते हैं, और उसके साथ इन टेंस मार्कर्स में कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. व्हेन वी हैव गॉट अ सेंटेंस एंड देयर इज नो टेंस मार्कर यूज्ड इन दैट सेंटेंस एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज बीन यूज्ड, सो वी से दैट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फिर अगर हमारे पास इस सेंटेंस को हम देखते हैं शी रोट, अब अगर इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो यहां पर भी हमारे पास टेंस मार्कर मौजूद नहीं है, तो फिर ये सेंटेंस हमारे पास कौन से टेंस में है? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेन यू हैव गॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देयर इज नो टेंस मार्कर यूज्ड विद इट, देन वी से दैट द सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो अगर इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करें तो सिंपल पॉइंट ये बन जाएगा कि आपके पास 10 टेंसेस ऐसे हैं जो कि टेंस मार्कर के बगैर अपना सेंटेंस नहीं बना सकते हैं.
There are only two exception cases in this regard. One is present indefinite tense, another one is past indefinite tense. Present indefinite tense and past indefinite tense, these two tenses can make their sentences without the tense markers. तो फिर आप इसके दरमियान फर्क किस तरह करेंगे? तो जब आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए और इसके साथ कोई भी टेंस मार्कर मौजूद ना हो, तो हम कह दें कि ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए और इसके साथ कोई भी टेंस मार्कर मौजूद ना हो, तो हम कह दें कि ये सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो खैर, इस अब आपको पता चल गया है कि आप सेंटेंस के टेंस को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में टेंसेस को किस तरह चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेंटेंस आ जाए, आई बाय अ बुक। सेंटेंस नंबर टू इज आई बॉट अ बुक। एंड सेंटेंस नंबर थ्री इज आई विल बाय अ बुक। नाउ ओवर हियर वी हैव गॉट थ्री सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर वन इज आई बाय अ बुक। Sentence number two is I bought a book, and sentence number three is I will buy a book. अब अगर इसको हम rules के मुताबिक change करेंगे, तो सबसे पहले हमने identify करना है, I हमारे पास subject है, buy हमारे पास verb है, a book हमारे पास क्या है, object है। इनके places को हम जब change करेंगे, तो I हमारे पास बन जाएगा me, object यहाँ पर आ जाएगा a book, यहाँ पर हम लगा लेंगे buy, और buy का हमारे पास जो third form है, that is bought. यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि हम सेंटेंस के टेंस को किस तरह चेंज करेंगे। तो अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखते हैं, तो ये तीनों सेंटेंसेस हमारे पास इंडेफिनिट टेंस में हैं। सेंटेंस नंबर वन इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस नंबर टू इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हाइल सेंटेंस नंबर थ्री इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और वो तो आप ऑलरेडी टेंस मार्कर के जरिए से जो है वो आपको पता चल गया है। अब यहां पर हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं एरो डाउन टेक्निक। एरो डाउन टेक्निक का मतलब यह है कि अगर आपके पास इंडेफिनिट टेंस आ जाए, तो आप उसको चेंज करेंगे कंटिन्यूअस टेंस में। अगर आपके पास इंडेफिनिट टेंस आ जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे कंटिन्यूअस टेंस में। तो अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास तीन वर्ब्स हैं, इज है, एम है और आर है। तो इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, एम को हम यूज करते हैं आई के साथ, और आर को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, एम को हम यूज करते हैं आई के साथ, और आर को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। अब आप खुद सोचिए कि अब बुक हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम यहां पर लगा लेंगे इज, और हमारा जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने चेंज कर लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। हमें किस तरह पता चल रहा है, यहां पर इस सेंटेंस में टेंस मार्कर भी मौजूद नहीं है और हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आया है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, तो वही वाला रूल है कि आई हमारे पास आ जाएगा, मी बन जाएगा, अ बुक हमारे पास यहां पर आ जाएगा, यहां पर हम लगा लेंगे बाय, और बॉट का जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है, दैट इज बॉट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इस सेंटेंस को किस तरह चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, हम इसको चेंज कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। शाबाश। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक हमारे पास है वाज, दूसरा हमारे पास है वर। तो वाज हमारे पास सिंगुलर है और वर हमारे पास प्लूरल है। हम यहां पर जो है वो अ बुक को देखते हैं, यहां पर हमारे पास जो है वो अ बुक सिंगुलर है, इस वजह से यहां पर मैं लगा लूंगा वाज, और हमारा जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम तीसरे सेंटेंस को देखते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास वही रूल है। यहां पर मैं लगा लूंगा मी, यहां पर मैं लगा लूंगा अ बुक, यहां पर मैं लगा लूंगा बाय, और यहां पर मैं लगा लूंगा बॉट। अब सेंटेंस हमारे पास कौन से टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, कैसे पता चल रहा है, ये देखिए क्या आया है, वेल। वेल किस चीज की निशानी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। तो जब हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में।
अब ये जो रूल हमारे पास है कि आई और बी के साथ हम शल लगाते हैं और वाई की सब के साथ हम वेल लगाते हैं, तो आजकल ये रूल तकरीबन खत्म हो चुका है, तो आप सब के साथ वेल लगा सकते हैं। तो इस वजह से आ जाएगा अ बुक विल बी बॉट बाय मी, और आपका जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर लिया है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूं, आप इसको अपने साथ जो है वो जॉट डाउन करें और फिर आप इस पे जो है वो प्रैक्टिस करें। सेंटेंस नंबर वन, आई इनफॉर्म, आई एन एफ ओ आर एम इनफॉर्म द टीचर, आई इनफॉर्म द टीचर। सेंटेंस नंबर टू, they asked a s k e d asked some good questions, they asked some good questions. Sentence number 3, he will play football. Sentence number 4, they will arrange a party. Sentence number five. Ibrahim broke his mobile phone. And last sentence again, the teacher delivers delivers a lecture. The teacher delivers a lecture. ये आप लोग के पास जो है वो 6 आप लोग के लिए जो है वो प्रैक्टिस सेंटेंसेस बन गए हैं, आप इसको जो है वो सॉल्व करें। अब ये तो हमारे पास था इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर मैं नेक्स्ट जो है वो 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं। सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। सेंटेंस नंबर 2, आई हैव प्लेड क्रिकेट। एंड सेंटेंस नंबर 3, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब हमारे पास 3 नए सेंटेंसेस हैं, एंड दीज 3 सेंटेंसेस आर इन परफेक्ट टेंस। आप देखिए, सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में है क्योंकि हैव आया है, सेंटेंस नंबर 2 इज इन पास्ट परफेक्ट क्योंकि हैड आया हुआ है, एंड सेंटेंस नंबर 3 इज इन फ्यूचर परफेक्ट क्योंकि हमारे पास जो है वो विल हैव आया है। तो जिस तरह हमने इससे पहले एरो डाउन के टेक्निक को अप्लाई किया था, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, एरो डाउन के टेक्निक को अप्लाई करते हैं और हमारे पास जो परफेक्ट टेंस होगा हम इसको चेंज कर लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहले हमारे पास जो जनरल चेंजेस हैं अगर हम इसको करते हैं, तो यहां पर हमारे पास जो है वो आई बन जाएगा मी, यहां पर हमारे पास आ जाएगा क्रिकेट, यहां पर हमारे पास आ जाएगा बाय, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्लेड। अब सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो रूल के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वी हैव गॉट 2 वर्ड्स, वन इज हैज बीन एंड अनदर वन इज हैव बीन। हैज बीन इज यूज्ड विद सिंगुलर व्हाइल हैव बीन इज यूज्ड विद प्लूरल। So remember, all the sports are what they are considered singular. आप लोग के लिए जो है वो noun के point of view से ये बहुत important point है। जितने भी आपके पास sports है, sports, जितने भी आपके पास subjects के हैं, और जितने भी आपके पास season है, seasons, days के जो आपके पास names आते हैं, और आपके पास जो months के name आते हैं, months, आप हमेशा इसको singular consider करेंगे। आपने इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। इस वजह से यहां पर हम क्या लगा लेंगे, यहां पर हम लगा लेंगे हैज बीन, और इस तरह आपका सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने चेंज कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब वही वाले चेंजेस मैं इसमें कर लूंगा, यहां पर मी बन गया है, यहां पर आ गया है क्रिकेट, यहां पर मैं लगा लूंगा बाय, और यहां पर मैं लगा लूंगा प्लेड। अब सेंटेंस कौन सेंटेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, आपको किस तरह पता चला? हाँ शाबाश, यहां पर हेड आया है, और हमने कहा था कि जब हेड किसी सेंटेंस में आ जाए तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कंसीडर करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को
रूल के मुताबिक हम चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहां पर मैं क्या कर लूंगा, यहां पर मैं लगा लूंगा हैड बीन, और इस तरह हमारे पास जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, वही वाले रूल में अप्लाई करता हूं, यहां पर मैंने लगा लिया है मी, यहां पर मैंने लगा लिया है क्रिकेट, यहां पर मैंने लगा लिया है बाय, यहां पर देखो मैंने लगा लिया है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है जी, कौन से, शाबाश, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस तरह पता चल रहा है, ये देखिए वेल हैव और शैल हैव किस चीज की निशानी है, ये निशानी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो जब आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाएगा तो आप इसको कौन से टेंस में चेंज करेंगे, शाबाश, आप इसको चेंज कर लेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर आ जाएगा वेल हैव बीन, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आई और बी के साथ क्या करते हैं, इसके साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ जो है वो हम क्या करते हैं, वेल हैव बीन लगाएंगे। तो इस तरह आपने जो है वो परफेक्ट जो आपके पास टेंस है उसके सेंटेंसेस को भी चेंज कर लिया है। अब जरा जल्दी जल्दी से अपने साथ एग्जांपल्स लिखिए और इस पे फिर जो है वो प्रैक्टिस करें। सेंटेंस नंबर वन, शी हैज इनवाइटेड सम गेस्ट्स। सेंटेंस नंबर टू, they had written the main points. Sentence number three, I shall have informed them. Sentence number four, They will have read this novel. Sentence number five, we had sent many gifts, G-I-F-T-S, gifts. And last sentence again, He has cleaned the board. तो इन सिक्स एग्जाम्पल्स को भी जो है वो आप हल करें ताकि आपकी किसी किस्म की कंफ्यूजन इसमें ना आए। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस कर लिया कि इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर लेंगे कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंस को हम चेंज कर लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहाँ पर तो अब हमारे पास मसला है, और मसला क्या है भाई, मसला ये कि ये सेंटेंसेस ऑलरेडी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस में है। सेंटेंस नंबर वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, सेंटेंस नंबर टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और सेंटेंस नंबर थ्री जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो अब हम इसको किस तरह चेंज करेंगे, तो पहले तो हमारे पास जो जनरल रूल है उसको हम क्या कर लेंगे, उस पर अप्लाई कर लेंगे। ही बन जाएगा हिम, यहां पर आ जाएगा अबो, यहां पर हम लगा लेंगे बाय, और राइटिंग का हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है दैट इज रिटन। अब अगर हमारे पास कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आया हो तो हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। फिर से सुने, हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे बल्कि हम इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेंगे, बींग, बीई आई एन जी का इजाफा कर लेंगे, B-E-I-N-G। आपके पास एक MCQs इस तरह भी आएगा जिसमें लिखा होगा बीन, B-E-E-N। तो याद रखे हम डबल ई एन वाले बीन की बात नहीं कर रहे बल्कि आई एन जी वाले बीन की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने कहा था कि सिंगुलर के साथ इस आएगा, तो आप इसके साथ जो है वो बीन लगा लें और इस तरह आपका सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब आपके पास सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, यू नीड नॉट टू चेंज द टेंस ऑफ दैट सेंटेंस, रादर यू हैव टू मेक एन एडिशन ऑफ ओनली वन वर्ड एंड दैट इज बीइंग, और इस तरह आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किस तरह पता चल रहा है, वाज आया है। तो जब वाज आ जाए, ये सेंटेंस कौन से टेंस में होगा, ये सेंटेंस हमारे पास होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जनरल रूल को अगर अप्लाई कर लें तो ही बन जाएगा हिम, और
यहां पर हम लगा लेंगे अ बुक, यहां पर हम लगा लेंगे बाय, राइट का हमारे पास थर्ड फॉर्म है रिटन। जिस तरह हमने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज नहीं करते, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, पड़ोसी है, तो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पे असर होता है कि नहीं होता? शाबाश, होता है। तो इस वजह से हम यहां पर भी क्या कर लेंगे, यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ बीइंग का इजाफा करेंगे और इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा अ बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, खुशखबरी, और मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं कि ये खुशखबरी क्या है। देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, खासकर ईटा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप जैसे माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, थोड़ी सी आप लोगों को कंसेशन भी मिलनी चाहिए ना। तो अगर आप लोगों ने एट टेंसेस को याद किया है, एट टेंसेस को, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपको पता है, इस खुशखबरी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की है। ये अंग्रेज़ नहीं, अंग्रेज़ ये बड़े बेगैरत लोग हैं, ये बिल्कुल भी लोग के साथ गुजारा वगैरह नहीं करते। लेकिन आपको तो पता है, हम भी पठान हैं भाई, और पठान जब एक बात के पीछे लग जाते हैं तो वो उस बात को जो है वो पूरा करते हैं। तो मैंने वो जो हमारे पास ये डेविड क्रिस्टल वगैरह है और माइकल स्वान वगैरह है, मैंने उनसे कहा कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ कंसेशन करिए, ऑलरेडी ईटा के लिए तैयारी करें। वो नहीं मान रहे थे, लेकिन मैं उसके जो है मैंने उसको खूब तंग किया, कभी उनको मैसेजेस, कभी उनको कॉल्स, कभी उनको ईमेल्स, कभी उनको जो है वो वॉइस मैसेजेस, और आखिरकार वो इतने तंग हो गए कि उन्होंने मुझसे कहा कि अपने स्टूडेंट्स से ये कह दें कि आपके पास ये जो फोर टेंसेस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और बाकी जो तीनों टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये चारों टेंसेस आपके पास एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। तो जब ये सेंटेंस आ जाएगा तो आप यहाँ पर इसके साथ लिख देंगे नॉट चेंजेबल। तो हम पठानों का एक उसूल है कि हम जब एक दफा किसी चीज को सीख देते हैं फिर उसको सब चीजों पे अप्लाई करते हैं। तो जरूरी है कि आपके पास हर एक सेंटेंस कन्वर्ट होता है, अदर देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड टेंसेस एंड यू हैव नाउ लर्न द टेक्निक्स ऑफ हाउ यू शुड बी कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।